एक वारी शहर मदीने बुला सोने। आज हमारे साथ सब इंस्पेक्टर शहबाज हुसैन मौजूद हैं। सोशल मीडिया पे हमेशा ही वायरल रहते हैं। पुलिस का जो डिपार्टमेंट ये मिला ही मुझे सरकार की नाहत के सदके में, अल्हम्दुलिल्लाह। कनाडा मैंने देखा है, यूरोप के 20 कंट्रीज मैंने देखे हैं, उसके अलावा सऊदी अरब में हर साल ही जाना होता है सरकार की बारगाह में। इंग्लैंड के जितने भी मोहब्बत करने वाले, ये खिताब मुझे उन्होंने दिया था खासतौर पर, पुलिस वाला ना था। कभी ऐसा हो मुजरिम को पकड़ने जाए और मुजरिम के मैं तो आपके नाते सुनता था। आपकी पुलिस पहचान नहीं बनी, आपकी खूबसूरत आवाज आपकी पहचान बन रही है, ये कैसे शो कैसे बना? अच्छा, सबसे पहली बात तो आपने की है कि पुलिस पहचान नहीं बनी, आवाज मेरी पहचान नहीं है। असल में मैं जिनका जिक्र करता हूँ उनके सदके मेरी पहचान है। मेरी आवाज़ तो और भी बहुत सारे लोग अच्छा पढ़ने वाले हैं, अच्छा गाने वाले हैं, बहुत सुरीले पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो नबी मुहतशम अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर है, ये मेरी पहचान है असल में। और पुलिस का जो है वो जो डिपार्टमेंट, मैं ये समझता हूँ ये मिला ही मुझे सरकार की नाहत के सदके में, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है, मुझे 20 साल तकरीबन हो चले हैं पुलिस की जॉब में, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रेगुलर अपनी जॉब भी करता हूँ और साथ साथ मैं जो अपना शौक़ है मेरा, ये एक्चुअली ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, पुलिस मेरा प्रोफेशन है और नात मेरा पैशन है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसको अपना जरिया आखिर समझ के पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सर चलें, ये तो समझ आती, कांस्टेबल पढ़ लेगा और अपनी फील्ड को भी, आप सब इंस्पेक्टर हो गए नात खानी, ये बंदा सोचता तो बड़ा दंग रह जाता, ये कैसे सी? जी बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको पता है हम पुलिस का जो इमेज है पब्लिक में, तो ये एक रैंक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बतौर SHO भी काफ़ी थानों में मेरी पोस्टिंग रह चुकी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी, और वैसे पेट्रोलिंग में भी मैं रहा हूँ, तो इसलिए लोग बड़ा शौक करते हैं भाई आप इतने अच्छे रैंक में हैं। तो मैं ये समझता हूँ अल्लाह की कसम, इज्जतें हैं ही हुजूर की नात के सदक़े में, हुजूर के जिक्र में, करीम अकाल सलातम की नस्बत के सदक़े में, और पुलिस में। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये मानना है कि पुलिस का एक बड़ा सॉफ्ट इमेज डेवलप हुआ है, मीन के एक जो लोगों के दिल में एक खौफ है ना पुलिस का, जब हम नात पढ़ते हैं व्यूवर्स देखते हैं, लोग देखते हैं, फिर पुलिस यूनिफॉर्म को देखते हैं, तो ये उनके लिए एक मतलब मैसेज भी जाता है अच्छा, कि लोगों की दिलों में पुलिस की मोहब्बत भी पैदा होती है, हुजूर का इश्क भी पैदा होता है कि यार एक बंदा इतने बड़े रैंक पर खड़े बैठ के भी करीम आका का जिक्र कर रहा है, तो हम भी क्यों ना सरकार का जिक्र करें, क्या ख्याल है? सर शहबाज हुसैन की पहचान है कि वो जो महफिलों में जाते हैं तो उसे कहा जाता है पुलिस वाला नात खान, ऐसे तारुफ दिए आपको, इस तरह के अलकाब दिए गए हैं लोगों ने, तो आपको कैसे लगता है? ये बिल्कुल पुलिस वाला नात खान जो है खिताब मुझे UK में मिला था। अच्छा। मैं जो वेरी फर्स्ट टाइम UK में गया था, उधर जो लोग थे ना, उन्होंने जब वो मुझे इन्वाइट किया उधर इंग्लैंड में, आज से 6 साल पहले की बात है, 2017 की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा। तो उधर लोगों ने जो मुझे वो एडवर्टाइजमेंट के लिए पंफलेट वगैरह जो छपाए उन्होंने, तो उन्होंने मुझे लिख दिया कि पुलिस वाला नात खान। तो उधर से मुझे जो UK के रहने वाले, ख़ास तौर पर इंग्लैंड के जितने भी मोहब्बत करने वाले, ये खिताब मुझे उन्होंने दिया था ख़ास तौर पर, पुलिस वाला ना था। इंग्लैंड के अलावा कौन कौन से ममालिक में जाना हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में सरकार के जिक्र के हवाले से जा चुका हूँ, कनाडा मैंने देखा है, यूरोप के 20 कंट्रीज मैंने देखे हैं, जो बिग कंट्रीज है यूरोप के, मतलब बड़े जी शेंजन कंट्रीज़ है, वो 20 कंट्रीज़ में हुजूर का जिक्र करके आया हूँ। उसके अलावा सऊदी अरब में हर साल ही जाना होता है सरकार की बारगाह में, मस्कत में हाजिरी पेश की है, कतर में हाजिरी पेश की है, दुबई में हाजिरी पेश की है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी इंशाल्लाह अभी साउथ अफ्रीका और मलेशिया का टूर है मेरा, अभी सितंबर में शुरू हो रहा है इंशाल्लाह। जैसे अमेरिका भी है, साउथ अफ्रीका है और मलेशिया है अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहली नात वो आपकी वायरल हुई थी कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आप उमरा करने शायद गए हुए थे उस वक्त, सर वो नात ने लोगों तक पहुँचाया, उनके दिलों को नरम मोम कर दिया, सर वो नात अगर आप सुनाएं। जी बिस्मिल्लाह, वो मेरा एजाज़ है, वो फ़कत नात नहीं है, उसके सदक़े मैंने मदीना देखा है, और एक नहीं मुझे 11 टिकट मिले हैं उमरे के, इस नात के सदक़े मैं 2 अशार आपके जो सामीन हैं, आपके व्यूवर्स हैं डेली पॉइंट के सभी दोस्तों को मैं नज़र करता हूँ उनकी। तेरे शहर मदीने आवा, तेरे शहर मदीने आवा, रो रो के गाल सुनावा, एक बारी शहर मदीने बुला सोने, तू एक बारी शहर मदीने बुला सोने, सोने दिया सोनिया गलियां, सोने दिया सोनिया गलियां, ओ जिथे मदनी लाइया तलियां, एक बारी सबनू मदीने पुछा सोने, तू एक बारी शहर मदीना विखा सोने, पंज तन देवा सिते पावा, पंज तन देवा सिते पावा, रो रो के
सुनावा एक वारी सबनू मदीना विखा सोनिया। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत आवाज़ है सर। आप ताज़ा ही अभी उमरा करके हैं 2-3 माह कबल, और आप हमेशा जाते हैं हर साल, तो सर क्या कैफियत क्या होती है? आप बिलीव करें, अल्लाह की कसम, हर साल जाना होता है, और जब मदीना शरीफ से जुदाई होती है ना भाई, मैं अपने रिज़्क में बैठा हूँ, वर्दी में बैठा हूँ, कसम खुदा की वो मंज़र ऐसा होता है कि हमारी जान निकल रही होती है। और फिर उनकी बारगाह की हाज़िरी जो है, ये बड़े नसीबों की बात है कि एक बार फरिश्ते रोज़े थे आंदे ने मुड़ के नहीं आंदे, तो सरकार दे उम्मती ने जेड़े मुड़ मुड़ के बुलाए जाते हैं। ये हज़ूर की नात का सदका है कि हर साल ये अल्हम्दुलिल्लाह हज़ूर की बारगाह में हाज़िरी होती है, और ये मैं कहता हूँ मेरी हाज़िरी नहीं होती, ये उनका बुलावा होता है। शहबाज़ भाई वो नात सुना दें जो आपने उधर ऑपरेशन के दौरान पढ़ी थी। जी वो मैं नात के चंद अशआर सुनाता हूँ, वो मेरी पसंदीदा नात है, और वो ऐसी नात है कि मैं कहता हूँ कि उसके सदके अल्लाह ने मुझे बड़ा नवाजा है। वजह शोहरत है। जी वजह शोहरत है। सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना, सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना, सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना। अल्लाह खुद फरमाया है, अल्लाह खुद फरमाया है, मेरा यार बड़ा सोना। अल्लाह खुद फरमाया है, मेरा यार बड़ा सोना। दुनिया दिया सफरा तो बंदा यक वित जाता है, पर सफर मदीने सफर मदीने दा हर बार बड़ा सोना सोना, पर सफर मदीने दा हर बार बड़ा सोना। सर माशाल्लाह। शहबाज़ भाई आपने सबसे पहले आपका नात की तरफ रजू कैसे हुआ, किससे मुतासिर हुए, कैसे आना हुआ, ये तो बताएं। ये प्यारे भाई फैमिली से ही माशाल्लाह मारूसी है। मेरे वालदैन सरकार का जिक्र करते थे, और मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वो खुद घर में महफ़िल करवाते थे। अच्छा। और हमारे घर में हर मंडे को हुज़ूर की जो विलादत व दिन है ना, ख़ास तौर पर सोमवार का, उस दिन हमारे घर में महफ़िल हर सोमवार को हुआ करती थी, और मेरे वालिद साहब बड़े शौक़ से करवाते थे। फिर हर महीने बड़ा मिलाद, फिर हर साल एक कुल पाकिस्तान महफ़िल नात करवाते थे मेरे वालिद साहब। ये मैं आपको, आपके उस्ताद जो हैं वो आपके वालिद हैं? बेशक, मेरी वालदा और मेरे वालिद। 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो तब से फिर जब वो घर में नात का माहौल था अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर वहाँ से शौक पैदा हुआ, तो आज अल्लाह ताला ने ये इज्जत दी अल्हम्दुलिल्लाह। सर कभी ऐसा हो मुजरिम को पकड़ने जाएं और मुजरिम के, मैं तो आपके नाते सुनता था, ऐसे हज़ारों बार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी पाकिस्तानी हैं ख़ास तौर पे, वो कोई ऐसा बंदा होगा जिसने नात नहीं सुनी, और ये इन्हीं लोगों से आपको पता है वास्ता पड़ता है। जब ड्यूरिंग पेट्रोलिंग या थाने में या गश्त के दौरान या थाने में, जहाँ भी हम पोस्टिंग हो हमारी, तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं। कोई वाकया सुनाएं। अभी रिसेंटली मुझे याद है, मैं थाना साहू का लगा हुआ था, उधर हमने बंदे पकड़े हैं थे, एक मंशियात के बंदे थे। अच्छा। तो वो सारे मुझे जानते थे, सभी नात लवर से, और कहते हैं हम आपके नात सुनते हैं। फिर मैंने उनको नात सुनाई, उनको मैंने फिर कसम खुदा की उनको मैंने पूरी उनकी इसलाह की है। अच्छा। और फिर वो नात सुन के उन्होंने तौबा की अपने गुनाहों से कि आज के बाद हम कभी ये गलत काम नहीं करेंगे। सर बेटी पे नात आपने वो कलाम पढ़ा, बीवी पे पढ़ा, ये वो कलाम थे जो हमारे माशरे में बिल्कुल भी नहीं थे। तो सर ये कलाम आखिर में बस आपसे सुनेंगे और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। मंगो खैर सारे तिया सारिया दी के रहन सदाई सुखी खुशहाल तिया, ओ लोको तिया ना कदे रवायो सदा खुशियां ही चोली पायो, तियां पंछियां वांगू हुंदियां सारियां ने
तियां तन पराया हुंदियां तियां वचारियां ने। कि आजकल माशरे में बहुत ज़रूरत है बीबी वाले कलाम की, तो वो भी सुना दें। मैं दो शेर सुनाता हूँ, एक मैसेज भी है आपके डेली पॉइंट की, जितने भी व्यूवर्स हैं सबके लिए एक मैसेज है इस पुलिस वाले का, खास तौर पर तवज्जो के साथ। हो बच्चे पालन सोखे हो दे ते औखे पालन मापे पिछली उम्री इस नुकते दी समझ आ जा दिया पे ते मां मरे सिर नंगा होता वीर मरण कंड खाली ते मावा बाज मुहम्मद बख्शा एवें कौन करे रखवाली।